गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे व्यापारिक बैंक के बारे में। हम जानेंगे कि व्यापारिक बैंक क्या होते हैं और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बैंक क्या होता है। हम बैंक किसे कहते हैं? तो बैंक वह संस्था है जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है, जिनका चेक द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तथा जो लोगों को ऋण और अग्रिम देती है, उसे क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। फिर है व्यापारिक बैंक, जिसका कि आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंक वे संस्थाएँ हैं जो व्यापार को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तथा इस प्रक्रिया में मुद्रा का निर्माण करती है। व्यापारिक बैंकों के प्रकार। व्यापारिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक कौन से बैंक होते हैं? अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनकी चुकता पूंजी तथा सुरक्षा निधि कम से कम 5 लाख रुपये होती है और इन बैंकों को हर सप्ताह अपने कार्यों का लेखा जोखा किसको भेजना पड़ता है? रिजर्व बैंक, जो कि हमारा क्या है, केंद्रीय बैंक है, उसको भेजना पड़ता है। नेक्स्ट है गैर अनुसूचित बैंक। इन बैंकों की पूंजी 5 लाख रुपए से क्या होती है? कम होती है और ये रिजर्व बैंक की दूसरी श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। रिजर्व बैंक का इन पर कोई विशेष कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इन्हें भी हर मंथ अपने कार्यों की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजनी पड़ती है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अब हम देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों के कौन कौन से कार्य होते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य क्या है, जैसे जमा स्वीकार करना। कोई भी बैंक जनता के धन को जमा करता है और लोग अपनी सुविधा और शक्ति के अनुसार खातों में रुपया जमा कराते हैं। अब खाते भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक निश्चितकालीन जमा खाता। इसमें क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है और जमाकर्ता को जमा की रकम की रसीद दे दी जाती है और इसमें जमाकर्ता का नाम, उस जमा की राशि, ब्याज की दर और जमा की अवधि लिखी होती है और ये रसीद हस्तांतरणीय नहीं होती। अगर मान लो जमाकर्ता को अपनी रकम की आवश्यकता, जो उस अवधि तक उसने जमा करवाया उस अवधि से पूर्व ही उसे आवश्यकता पड़ जाती है, तो कुछ कटौती काटकर बैंक क्या करता है, उसे रकम लौटा देता है। दूसरा होता है चालू जमा खाता। इस खाते में जमाकर्ता जितनी भी बार चाहे रो रुपया जमा करा सकता है और कभी भी उसको आवश्यकता के अनुसार निकाल सकता है। बचत जमा खाता, ये खाता क्या करता है, छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है और इस खाते से एक निश्चित मात्रा तक ही रुपया निकलवाया जा सकता है। होम सेफ बचत खाता, बैंकों ने इस खाते का प्रचलन अभी शुरू किया है। इसमें जमाकर्ता के घर पर एक बैंक गुल्लक दिया जाता है जिसकी ताली क्या होती है, बैंक के पास रहती है और जमाकर्ता इस गुल्लक में थोड़ी थोड़ी बचत डालता रहता है और कुछ समय के बाद बैंक में जाकर उसमें से जमा राशि को जमाकर्ता क्या करा देता है, अपने खाते में जमा करा देता है। आवर्ती जमा खाता, इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता क्या करता है, एक निश्चित समय के लिए प्रति मास निश्चित रकम जमा कराते हैं। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के खाते हैं जिनमें एक जमाकर्ता अपनी जमाओं को जमा करवाता है। नेक्स्ट कार्य है ऋण देना। बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है जैसे कि लोगों को रुपया उधार देना। तो जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से ही क्या होता है, बैंक एक निश्चित राशि नगद कोष के रूप में रखकर बाकी रुपया उधार दे देता है। जैसे इसके अंतर्गत ऋणी को क्या है, एक निश्चित जमानत के आधार पर एक निश्चित राशि निकलवाने का अधिकार दे दिया जाता है। किसमें, नगद साख के अंदर। ओवरड्राफ्ट की सुविधा, बैंक में चालू जमा रखने वाले जो भी ग्राहक हैं वो बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक राशि निकलवाने की अनुमति ले लेते हैं और इस निकाली गई रकम को ही क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ऋण तथा अग्रिम, ये ऋण एक निश्चित रकम के रूप में दिए जाते हैं और बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की रकम इकट्ठी जमा करा देता है और ऋणदाता उसे कभी भी निकलवा सकता है। विनिमय पत्रों की कटौती करना,
बैंकों के द्वारा पेशगी धन देने का ये भी एक तरीका है। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उनके विनिमय पत्रों की अवधि पूर्ण होने से पहले ही उन विनिमय पत्रों के आधार पर क्या करता है, रुपया उधार देता है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना भी क्या है, सरकार का उधार देने का एक तरीका है। नेक्स्ट है साख निर्माण। बैंकों का एक मुख्य कार्य होता है साख का निर्माण करना, जिसमें बैंक अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक रुपया उधार देकर साख का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों के, जैसा कि हमने अध्ययन किया अभी मुख्य कार्यों का, जो कि तीन प्रकार के होते हैं। अब है गौण कार्य व्यापारिक बैंकों के कौन कौन से होते हैं। जैसे व्यापारिक बैंक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। एजेंट के रूप में कार्य कैसे करते हैं, जैसे वो बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक या फिर किराया आदि एकत्र करते हैं और इस प्रकार उनकी ओर से करों, बीमों की किश्तों आदि की अदायगी करता है। जैसे बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के शेयर्स और स्टॉक की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से प्रतिभूतियों को खरीदना, बेचना आदि का भी कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के ट्रस्टी तथा प्रबंधक का कार्य भी करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजने का कार्य, बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार से बैंक, व्यापारिक बैंक एक एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सामान्य उपयोगिता की सेवाएं। अब व्यापारिक बैंक कुछ अन्य ऐसे कार्य करते हैं जिनसे समाज के लोगों को क्या होता है, काफ़ी लाभ होता है। और वो सामाजिक उपयोगिताएं सेवाएं कौन कौन सी है, जैसे व्यापारिक बैंक लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार से संबंधित जितनी भी सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करते हैं उनको अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं, वस्तुओं के वाहन में सहायता देते हैं और निर्देशक के रूप में भी कार्य करते हैं। साथ ही बैंक अपने ग्राहक की साख संपन्नता को प्रमाणित करने के लिए साख प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं तथा उपहार चेक जारी करते हैं, यात्री चेक जारी करते हैं। और व्यापारिक बैंक की प्रमुख शाखाएं विदेशी विनिमय के व्यापार का भी लेन देन करती है। तो इस प्रकार से व्यापारिक बैंक सामान्य उपयोगिता की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कार्य, जिसे पूंजी निर्माण। व्यापारिक बैंक लोगों की जो निष्क्रिय जमा होती है उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उन्हें उत्पादक कार्यों में निवेश करते हैं। इसके कारण वे पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में सहायता देते हैं। नव परिवर्तन को प्रोत्साहन, बैंक उद्यमियों को साख प्रदान करके नव परिवर्तन को भी प्रोत्साहित करते हैं। इसके फलस्वरूप नई वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है और इसका आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ब्याज की दर का प्रभाव, बैंक ब्याज की दर को इस प्रकार से निर्धारित करते हैं जिससे उद्यमियों और व्यवसायियों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और इसके फलस्वरूप उत्पादन और व्यापार इन दोनों में वृद्धि होती है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान, व्यापारिक बैंक ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे कृषकों को उन्नत कृषि, भूमि सुधार, यंत्र आदि खरीदने के लिए कम ब्याज की दर पर उचित मात्रा में ऋण देते हैं। मांग वृद्धि में सहायक, अल्प विकसित देशों में लोगों की आय कम होती है और उनका जीवन स्तर कैसा होता है, नीचा होता है, तो उपभोक्ता वस्तुओं की भी मांग कम होती है। तो बैंक अपने ग्राहकों को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए क्या करते हैं, साख उपलब्ध करवाते हैं। मौद्रिक नीति, प्रत्येक अल्प विकसित देश की सरकार और वहाँ का जो केंद्रीय बैंक है वह अपनी मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिए एक व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। देश की मौद्रिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यापारिक बैंकों का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। रोजगार, व्यापारिक बैंक रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं और बेरोजगार युवा वर्ग इन बैंकों से उचित ब्याज की दर पर पर्याप्त मात्रा में साख प्राप्त करके स्वरोजगार की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार से ये थे व्यापारिक बैंकों के कार्य। थैंक यू।